तो काफी टाइम से भी नहीं, बट पिछली वीडियो से आप लोग नोटिस करेंगे कि मैं फोन यूज कर रही हूँ, क्योंकि यार माइक हमारा हो चुका है खराब, तो अभी हम फोन का माइक यूज करें और हम नया माइक जल्द ही खरीदेंगे ताकि अच्छी वॉइस आए। हे बुकड़ो, हम फाइनली पंजाब यूनिवर्सिटी आ गए हैं। तो बेसिकली सजेशन वीडियो, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने काफी उन्हें मुझे सजेस्ट करा कि यार तुम चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी का फूड रिव्यू नहीं कर रहे हो, तो ये तो गलत बात है। तो हम आ गए हैं आज पंजाब यूनिवर्सिटी और हम जाएंगे स्टू सी स्टूडेंट सेंटर और वहाँ करेंगे वहाँ के फूड रिव्यूज, जहाँ की थाली बहुत फेमस है एंड छोले भटूरे हो गए, चाय हो गई एंड शेक्स हो गए, कितना कुछ है। मैं वेट नहीं कर सकती खाने के लिए, क्योंकि वो बहुत अफोर्डेबल है और बहुत टेस्टी है, ऐसा मेरे सुनने में आया है। बाकी मैं बताऊंगी कि मुझे कैसा लगा। तो अब चलते हैं स्टूडेंट सेंटर की तरफ। हमने ऑर्डर किया है ओरियो शेक, जो कि इतना सुंदर लग रहा है ना देखने में, इतना टेस्टी कि बस मैं अभी पी जाऊं इसको। तो और यार शुरुआत में हमने सोचा ओरियो शेक से शुरुआत करते हैं, अगर हम रिव्यू दे ही रहे हैं तो थाली वाली हम बाद में खाते हैं। एंड और ऐसा बोला भी गया था मुझे वन ऑफ माई फ्रेंड सेट कि यार ओरियो शेक यहाँ का मस्ट है, तो देखते हैं कितना मस्ट है कितना मस्त नहीं है एंड मस्त भी है या नहीं। सो स्टार्ट करते हैं हम। इतनी थिक लेयर है इसकी, ना ब्लास्ट हो रहा है ना मेरे मुंह में कलर्स का, फ्लेवर्स का, अच्छा मीठा है एंड ठीक है। और मैं तो एक और बाइट लूं। और ये आइसक्रीम दिस इज थिक और अच्छा मीठा है, ज्यादा मीठा नहीं है। अब पी के देखते हैं उसे। बहुत अच्छा है, I loved it, बहुत प्यारा है। एंड मुझे सबसे चीज में मुझे खटकती है हमेशा कि ज्यादा मीठा डाल देता है, और ये परफेक्ट मीठा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। थिक है हाँ, एंड जो शेक है वो थोड़ा ठीक है, मतलब मीडियम में, ज्यादा थिक नहीं है, बट जो उसके ऊपर बिस्किट्स, आइसक्रीम जेम्स डले थे और ब्राउनी डली थी, वो इसको बहुत थिक बना रही थी एंड बहुत टेस्टी। तो अब ओरियो शेक के बाद हमने ऑर्डर किया है चीज नान विद ग्रेवी, चीज नान मतलब पनीर नान। एंड मेरे को ना इसको देखते ही ना मुंह में पानी आ रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है एंड खाते हैं यार। पर उनके ना इतने ऑप्शन थे, हम ये लाए हैं राज ईटरी से, तो उनपे बहुत ऑप्शन थे, तुम चाइनीज थाली ले लो, पनीर थाली, वेज थाली, बहुत ऑप्शन थे और बहुत टेस्टी लग रहा था और सब कुछ ना काफी वेज और काफी हाइजीनिक था वहाँ पे, तो बहुत स्वाद लग रहा था। तो मुझे ना आज मेरा मन था कि मैं ये चीज नान विद ग्रेवी ट्राई करूँ, क्योंकि मुझे सजेस्ट भी किया और मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया था, तो बस आज ट्राई करूंगी। तो देखते हैं ये कितना टेस्टी है। और ये है 75 की, तो ठीक है अमाउंट तो मुझे ठीक लगा है, काफी सही लगा है, तो देखते हैं कैसा है। ओ ये स्टफ है पनीर और मिर्चों के साथ। सो अब फर्स्ट बाइट लेते हैं हमारी पनीर नान ग्रेवी के साथ। एक पनीर का टुकड़ा भी उठा लिया मैंने फर्स्ट बाइटा।
दिस इज यम, इनसेनली यम, बहुत ज्यादा स्वाद है ये। इसमें ना वो मीठा फ्लेवर होता है ना पनीर की ग्रेवी वाला, वो मीठा स्वाद है, और ये हरी मिर्चों से मिर्च का स्वाद तो ये काफी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एंड बैलेंस कर रहे हैं, एंड ये बहुत टेस्टी है। नान बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छे से पके हुए हैं, बहुत सॉफ्ट है, पनीर भी अच्छा खासा डला है, मिर्चें डली हैं और जीरा है इसमें और प्याज है एंड साबुत धनिया भी डला है। दिस इज यम, दिस इज यम, बहुत स्वाद है। एक और बाइट ले लेता है। और थोड़ी बड़ी बाइट ले रहे हैं। थोड़ा मैसी हो गया है, बट मैसी जब तक ना हो ना तब तक खाने का मजा लेके नहीं खा रहे हो तुम। दिस इज यम, परफेक्ट, मजा आ गया, अभी तक मुझे सबसे बढ़िया लगा है। और भी कुछ खाना है हमने, बहुत कुछ। तो अब हमने गुरु जगह से ले लिया है ये हमारी चाइनीज थाली, क्योंकि मतलब ये भी सजेस्ट है कि यार गुरु के यहाँ से ना चाइनीज जरूर ट्राई करना, तो मैंने ये चाइनीज थाली ले ली है, चाइनीज कॉम्बो ले लिया है। एंड मैंने अपने स्प्रिंग रोल हटवा के ना ये हनी चिली क्वालीफायर डलवाया क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। एंड अब ऐसे नहीं बोलूंगी बहुत पसंद है क्योंकि मैं सेकंड टाइम ट्राई करने जा रही हूँ। एंड देखो क्या क्या मिला, हमें नूडल्स मिले इतने सारे, मोमोज मिले हैं, मंचूरियन मिला है और हनी चिली कॉलीफ्लावर मिला है, ये चार चीज़ें। और मैंने और एक्स्ट्रा डलवा ली मेयोनीज और चटनी। और अगर हम पांच का कॉम्बो लेते हैं जिसमें स्प्रिंग रोल भी ऐड हो जाती है, हम कुछ एक्सचेंज भी करवा सकते हैं एक आइटम, तो वो पड़ती है हमें 150 की। तो मुझे काफी अच्छा कॉम्बो लगा है ये। स्टार्ट करते हैं मोमो के साथ। कवरिंग भी पतली नहीं थी, उसकी जो आउटर कवर होती है, एंड इसमें स्टफिंग भी मुझे अच्छी नहीं लगी, कोई खास स्वाद नहीं है। एंड चटनी के साथ थोड़ा अच्छा लग रहा है, चटनी अच्छी है रेड वाली, एंड चटनी के साथ अच्छा लग रहा है, बट मोमो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे सीरियस। तो मोमो तो अच्छे नहीं थे, पर हम मंचूरियन टेस्ट करते हैं, मंचूरियन कैसा। अच्छा है, ज़्यादा चिली भी नहीं है, चिली फ्लेवर्ड नहीं है, अच्छा है, क्रंची भी और अंदर से सॉफ्ट भी है, मंचूरियन अच्छा लगा मुझे, ग्रेट नहीं बोलूँगी बट अच्छा लगा, मोमो से तो लाख गुना अच्छा है। तो अब नूडल्स खाते हैं। नूडल्स काफ़ी रॉ लग रहे हैं, मतलब ज़्यादा मसालेदार नहीं लग रहे हैं नूडल्स, काफ़ी प्लेन लग रहे हैं, तो देखते हैं नूडल्स कैसे हो रहे हैं। रॉ है नूडल्स, प्लेन, वाव फ्लेवर नहीं है, वाव फैक्टर नहीं है बिल्कुल नूडल्स में, बहुत प्लेन है। चटनी के साथ और मंचूरियन के साथ ये ज़्यादा बेटर लगेंगे। तो मैं ना अब सीधा लैंड करने वाली हूँ अपने हनी चिली कॉलीफ्लावर पे, मुझे बहुत पसंद है, देखते हैं इन्होंने कैसा बनाया।
आई लाइक दिस हनी चिली कॉलीफ्लावर एंड मंचूरियन. मोमो इज अ बिग नो एंड नूडल्स काफी प्लेन है. तो अगर तुम्हें प्लेन नूडल्स पसंद है बिना मसालों साथ कुछ नहीं बिल्कुल प्लेन तो यू कैन हैव दिस. बाकी आई लाइक मोर स्पाइसी फूड तो मुझे इतना पसंद नहीं आया. तो आई विल गो विद मंचूरियन एंड हनी चिली कॉलीफ्लावर. तो बुकड़ो जैसा कि हमने देखा संडे होने के बावजूद भी पीयू में स्टूडेंट सेंटर में इतनी भीड़ लगी हुई थी. मतलब यहाँ पे ना लोग आते ही हैं खाने के लिए और बहुत अच्छे से. और कोई ऐसा नहीं कि पीयू के स्टूडेंट्स हो तभी आ सकते हो, नहीं, कोई भी आउटसाइडर आराम से आ सकता है यहाँ पे खाने के लिए, बैठ सकता है, खाओ पियो, मज़े करो, चिल मारो. और ना अगर तुम्हारे कॉलेज कोविड की जैसे बंद हैं और तुम्हें फिर भी कॉलेज वाली फील लेनी है, कॉलेज ख़त्म हो गया जैसे मेरे, यार ना मैं कॉलेज गई, मेरे कॉलेज बंद हो गए और अब खुलेंगे भी नहीं क्योंकि मैं पास आउट होने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पे आके ना कॉलेज की फील ले सकती हूँ पूरी फील. ठीक है, तो यहाँ पे आके फील ले सकते हो. और रही बात फूड की, तो मेरा सबसे फेवरेट रहा है चीज़ नान विद ग्रेवी. वो मेरा सबसे फेवरेट था और बहुत स्वाद था, उसमें मैं एक भी कमी नहीं निकाल पाई. और ओरियो शेक मेरा सेकंड फेवरेट, अच्छा था, काफ़ी हैवी था. मतलब उसे पूरा एक ग्लास को पी के ना इंसान का आराम से पेट भर जाएगा और कुछ खाने का मन भी नहीं करेगा. मैंने फिर भी इतना खा लिया और मैं तो ओवरलोडेड हो गई हूँ आज. और उसके बाद भी मैंने चाइनीज़ थाली खाई, मतलब वो हमारा कॉम्बो खाया जिसमें नूडल्स और मोमो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए. तो उसके बाद खाया मैंने मंचूरियन और हनी चिली कॉलीफ्लावर जो मुझे अच्छा लगा. मतलब बेस्ट नहीं बोलूँगी बट अच्छा लगा उस पूरी कॉम्बो में से. तो हाँ, अफोर्डेबल फूड है. अगर तुम नॉर्मल खाना खाते हो जैसे राजमा छोले खाते हो या फिर एक वेज थाली खाते हो तो अफोर्डेबल है. अगर तुम शेक पियोगे, शेक 90 का था, थोड़ा महंगा तो था, ऑफकोर्स महंगा था. और हमारी चाइनीज़ थाली भी 120 की थी तो थोड़ा महंगा था. बाकी नॉर्मल चीज़ें खाते हो, वेज थाली खाते हो जो रेगुलरली हम खा सकते हैं, वो अफोर्डेबल है. तो ये एक अच्छी प्लेस है, अच्छी वाइब है यहाँ की, एक कॉलेज वाली वाइब है, एक यंग वाली वाइब है. इसका मतलब ये नहीं कि ओल्ड लोग नहीं आते हैं, आते सब टाइप के लोग आते हैं. एंड फिर भी इसकी वाइब बहुत अच्छी है, कॉलेज वाली वाइब है. और यहाँ पे आ सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा यार. आई मस्ट से कि यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए. एंड अपना खुद टेस्ट करो और हमें भी बताओ कमेंट सेक्शन में कि तुम्हें क्या पसंद है. अगर तुम पहले आ चुके हो तो वो भी बताओ कि क्या खाना चाहिए, क्या कि सैन तुमने ये तो ट्राई करानी है, वो मुझे भी बताओ यार, मैं भी नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगी और वो भी ज़रूर ट्राई करूँगी. वैसे इस बार के लिए मेरा फेवरेट रहा चीज़ नान विद ग्रेवी और मैं उसे सेकेंड टाइम भी ज़रूर ट्राई करने वाली हूँ. तुम यार मुझे बताओ कि और किस जगह जाऊँ मैं चंडीगढ़ में, क्योंकि मेरी लिस्ट थोड़ी शॉर्ट होती जा रही, तो थोड़ा बताओ यार कहाँ कहाँ जाऊँ. एंड ऐसे ही बुक्कड़ वीडियो देखते रहिए क्योंकि खाना ही जिंदगी का नियम है. तो मिलते हैं अगली बुक्कड़ वीडियो के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पे. लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब.